हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पूजा भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा पहाड़ी पिथौरगढ़ बटी में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बाकी मैं भी अच्छी हूँ। और आज कर ली है मैंने ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और फिर से निकल रही हूँ मैं आज आपके लिए एक नई चीज़। तो क्या फिर किच्छ ही जा रहे हैं किसी काम से, तो दिखाऊँगी आज। काम दूसरा है, जगह सेम है। और ये हो रखी है मैं तैयार। आज स्कूल की छुट्टी थी तो इच्छा का काम आ गया, तो फिर बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तो चलते हैं, बाय, और मिल लीजिए सोना से। हेलो गाइस, हर्षित से। हेलो गाइस, बाय। तो दोस्तों, निकल चुकी हूँ घर से, अकेली नहीं हूँ, जा रही हूँ अपनी जिठानी के साथ। नमस्कार। और दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम। ये देखिए दोस्तों, सुबह के 10:30 बजे और इतनी तेज़ धूप लग गई है। यहाँ पे खड़ी हैं, अब जाते हैं। और हाय। और ये देखिए दोस्तों, गेहूँ कट गए हैं, आधे गेहूँ कट गए हैं, आधे कटने बाकी हैं। ये देखिए, दोस्तों हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और ये नए दर्जी बने हैं। तो नए दर्जी बने हैं तो ये, और इनने इतनी मशीन चलाई ना कि मशीन ही खराब हो गई। क्या बोला? मशीन ही खराब हो गई। तो हम मशीन ही सही करवाने जा रहे हैं। किच्छा नए टेलर हैं, हमसे संपर्क करें। हाँ, इनसे संपर्क करना। हमारे आसपास के और हमारे एरिया के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया इनसे सिलाई है तो संपर्क करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ब्लाउज सूट सब बनाते हो, फ्रॉक वगैरह? सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना अभी है वगैरह बच्चों की। हाँ अच्छा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने देखा कि ना, यहाँ पे देखो आप, ये मैं हूँ अभी नगला में। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे शायद आज कोई फंक्शन है और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरे को घूर रहे कि पता नहीं क्या चीज़ कर रही हूँ मैं। तो चलो, इतना ही बनाती, ज़्यादा शूट नहीं करती। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए रोड में और अभी मैजिक आ रहा है, मैजिक को रोकते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। और रोकती हूँ मैं इसको, टाइम से चले जाएँगे तो टाइम से आ जाएँगे। रुक गया, हम बैठ गए हैं बर्ड्स में और अब चल रहे कि छह की तरफ। दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, किच्छा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आ गए हैं सिलाई मशीन जहाँ पे सही होती है, भैया के पास। और अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है और भैया कह रहे हैं कि टाइम लग जाएगा, खोल के देखना पड़ेगा क्या है इसमें फॉल्ट, क्या दिक्कत आ रही, बल इसमें देखना पड़ेगा कह रहे हैं। अभी दिखाते हैं, ये है मशीन और यहाँ इतनी भीड़ लगी है, ये पहले से खड़े हैं यहाँ पे ये लोग। आप भी ठीक करके देता हूँ। दोस्तों, बहुत धूप है और किच्छा की मार्केट में भटक रहे हैं। अभी वहाँ मशीन के लिए दिया तो वो कह रहा है बहुत, 1 घंटा लग जाएगा अभी। तो हमने सोचा आगे की मार्केट देख लेते हैं, थोड़ा कुछ काम होगा। तो ये इनको पता नहीं कहाँ कहाँ काम है, ये जा रहे हैं।
आगे को जाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, ये रहा मंदिर है, एक दिखाती हूँ थोड़ा अंदर अंदर को जाके। देवी मैया की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है इसमें, और शिव भगवान की मूर्ति है। देखिए दोस्तों, और इतना अच्छा सुंदर सजा रखते हैं। और ये है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ बहुत ही बड़ा फैला हुआ है। ये मशीन पे लगाने वाला हत्ता, इसको भी ले रहे हैं। वो पैर वाली है तो ये कह रही थी उसको भी, हाथ हत्ते वाली भी लगा लेती हूँ। मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आ गए अभी सोनू भैया की शॉप में, और यहाँ से कर ली हमने चूड़ियों की शॉपिंग। दिखाओ तो जरा, ये देखो दीदी ने तो बहुत ही शॉपिंग कर ली है, बहुत महंगे महंगे कड़े ले लिए, ज्यादा ही हो रहा है। और भैया ने बॉक्स गिफ्ट करा है इन कड़ों के साथ, भैया ने एक बॉक्स गिफ्ट कर दिया, और मैंने भी लिया है। वो सरप्राइज है वो नहीं दिखाऊंगी, वो घर जाके दिखाऊंगी। और भैया के शॉप में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने शादी की शॉपिंग भी यहीं से करी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे चूड़ियाँ और अच्छे अच्छे कड़े मिल जाते हैं भैया की शॉप में। तो ये किच्छा में सिंधु गली में है इनकी शॉप, सोनू नाम है इनका, अब आप विजिट कर सकते हैं इधर। काफ़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और कड़े मिल जाते हैं भैया के, और बॉक्स खाली होते हैं ना तो भैया फ्री में दे देते हैं। थैंक यू भैया। ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक, अमन गारमेंट्स ये बगल में। यहाँ पे मिलते हैं कपड़ों के कट पीस, थान के कपड़े ये सब। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थान के कपड़े, थान का कट पीस मिल जाता है। देखिए अच्छे अच्छे हैं ऐसे। ये भी कपड़ा ही है ना कट, ये भी तो है, ये भी अच्छा है, ये भी प्यारा लग रहा है ना। ये कौन सा, ये वाला ना, हाँ ये भैया। ये कितने रुपए मीटर है, हैं 200 200 रुपए मीटर। ये एक ही रेट, नेट का भी है इसमें, लहंगा वहंगा लांचा वांचा भी बन सकता है, उसको सिलाई आती है उसके लिए बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, सनील का है, 200 रुपये मीटर है दोस्तों। कौन, ये है बर्तनों की शॉप। ऐसे ही चलते हैं आगे 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 आगे, तो फिर से पहुंच गए हमें एक और कपड़ों की शॉप पे, जहाँ पे पीस वगैरह मिलते हैं, कट पीस वगैरह मिलते हैं। तो फाइनली हम एक दुकान पे पहुंच गए, और ये है पूरा थान का कपड़ा, इसमें से ये है 70 रुपये मीटर, और एक जो पसंद आया है वो है ये है 120 रुपये मीटर ना, 120 रुपये मीटर है ये वाला। ये बड़ा प्यारा और प्योर कॉटन है, बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने बेबी के लिए ये शॉपिंग कर ली है, इसको क्या बोलते हैं, बिब, और ये उसके शूज़, ये एक ले लिया बिब, और ये ले लिया उसके शूज़। यहाँ पे बच्चों का आइटम भी काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम आया हुआ बच्चों का, ये देखिए शूज़ वगैरह, ये सॉक्स एंड टॉयज़ बेबी से लेके 6 मंथ की उम्र तक स्टॉकिंग टाइप।
तो दोस्तों किच्छा में काम करने के बाद अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है और तो दोस्तों अभी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली है और अभी मशीन जो थी वो बनाने दे रखी थी, अब हम कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, कुछ खा लेते हैं यहाँ से आते हुए फास्ट वाले के पास, देखते हैं बाकी वाले के भी मैंने मोमो देखे, सबकी मोटी मोटी लेयर है तो आज उनके वहाँ पहली बार आया, देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मशीन बन गई है, बन गई है मशीन। बिंदु भत्ता लाल का तो सारा काम मेरे पास आ रहा है, ये ऐसी वाली बात है लोगों से नंबर जितनी बड़ी आपको बच्चे से चलाना है इसी बड़ी कैसे होती है एक नंबर से। तो दोस्तों मशीन का काम भी हो गया है और हमारा बाजार का भी काम हो गया है, अब हम चल रहे हैं घर, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे घर पे, और घर आने के बाद हमने खाना वाना खा लिया है और आज की ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और खूब शेयर कर दीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। दोस्तों मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।